हमने डॉक्टरी इलाज किया, डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया तो हम यहाँ आए। हमारा बच्चा ठीक हो गया। अब इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकता है कि मेरे गुरु मेरी मन की इच्छा तक जान लेते हैं एंड कुछ ही क्षण में उसे पूरा भी कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि दो चीजें होती है, एक होता है लॉजिक, एक होता है मैजिक। तो ये मैजिक है जिससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। मेडिकल टर्म में आई वाज अ वेजिटेबल, नाउ बल्ले बल्ले आपने सेवा ही सेवा। दो मिनट के लिए मैं सबसे कहती हूँ सब लोग मंत्र जाप करो और ब्लीडर्स को हम प्रेस कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो पैक हटाए जाते हैं सब ठीक हो जाता है। जिस मैजिक का लॉजिक समझ ना आए उसे दुनिया चमत्कार कहती है। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक अद्भुत बाबा के घर हम आपको वैसा ही नजारा दिखाते हैं। यहां सिर झुकाने पहुंचने वालों में घरेलू महिलाएं भी हैं तो बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी, और ये पति पत्नी तो करीब 2500 किलोमीटर की दूरी नापकर खास धाबी से गुड़गांव आए हैं अपने जीवन में घटे चमत्कार पर आभार जताने। जी हिंदुस्तान की स्पेशल सीरीज बाबा वर्ल्ड के इस एपिसोड में चमत्कार के इन चश्मदीदों की कहानी हम आगे उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा वाकई चमत्कार कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? तपस्या करके हम ईश्वर की प्राप्ति तो करते ही हैं, लेकिन सिद्धि भी प्राप्त करने के लिए तपस्या परम आवश्यक है। तप करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। टीवी इतिहास में पहली बार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य, क्या साधना और सिद्धि से बनते हैं बाबा? बाबा बनाने वाले डीएनए की खोज हमने शुरू की थी काशी यानी वाराणसी से, जहां सदियों से हिंदू धर्म की कई धाराएं साथ बहती आई हैं। हमने वृंदावन में कृष्ण प्रेम में डूबकर गोपी बने फिरने वाले बाबाओं के पैरों में घुंघरू के बोल सुने। आशीर्वाद से काम न चलता, अगर आशीर्वाद से काम चलता ना तो हर एक को लगता है कि हम भगवान हो जाए, कर्म करने पड़ता है। तो गोकुल में गुरुकुल की उस सनातन परंपरा को भी करीब से जाना जो बाबा बनने की बुनियाद सिखाती है। बाबा बनाने वाले डीएनए की तलाश में हमारे मन में यही सवाल लगातार उमड़ता घुमड़ता रहा। सवाल ये कि क्या बाबा वाकई कर सकते हैं चमत्कार, या फिर ये आस्था में डूबे मन को छलने का मायाजाल भर है? हमने हिंदू धर्म और धार्मिक परंपरा के जानकारों से भी पूछा, क्या वाकई ऐसी साधनाएं होती हैं जो जीवन में चमत्कार कर सकती हैं? क्या उन्हीं साधनाओं की सिद्धि कर बना जाता है बाबा?
जवाब में हमें धर्म ग्रंथों के हवाले से सिद्धियों की जानकारी दी गई, तो चमत्कारों की वो कहानियां भी सुनाई गई जिसे जमाना आज भी दोहराता है। अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकामे शित्व और वशित्व, ये जो अष्ट सिद्धि है इन सिद्धियों की प्राप्ति साधना से होती है। एक सिद्धि हो जाए अन्न की सिद्धि, तो थोड़े अन्न में हाथ रखकर जैसा उड़िया बाबा जी महाराज करते थे, बड़ी प्रसिद्ध बात है, कहते हैं कि किसी भी उसमें भोजन में थोड़े दो रोटियां हो हाथ रख करके ढकते थे और हजार लोगों को खिला देते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी झूसी में एक संकीर्तन करा रहे थे, वर्ष पर्यंत चलने वाला अखंड संकीर्तन था, पूरे भारतवर्ष के महात्मा सब इकट्ठे हुए थे और उनके पास अब खिलाने कुछ रह नहीं गया था। उड़िया बाबा से हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा कि भंडारा हम संभालते हैं, आप देखिए। पूरे वर्ष भर चला था। गोपीनाथ कविराज जी के जो गुरु थे विशुद्धानंद जी, उनको तो पाल ब्रंटन कहते हैं कि ये काशी का जादूगर है, भारत का जादूगर है, माने वो तो मरी हुई चिड़िया को लोगों ने रखा जिला दिया यंत्र से। बाबाओं के चमत्कार की बात हुई तो आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, तैलंग स्वामी और महातपा बाबा से लेकर अघोर परंपरा के संत बाबा कीना राम तक को याद किया गया। बाबा वर्ल्ड के आने वाले एपिसोड में हम इन चमत्कारी बाबाओं के रहस्यों का संसार भी आपके सामने खोलेंगे और उसको वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस खोज में थे कि क्या आज के दौर में ऐसे बाबा हैं जिन्हें चमत्कारों का अनुभव समाज ने किया है। इसी कड़ी में हमारी तलाश जाकर रुकी अद्भुत बाबा शिवानंद पर। जो खुद को भगवान दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथ की परंपरा के सिद्ध साधक यानी अवधूत कहते हैं। जो अपने ईगो को जीरो कर गया और चेतना को परम में मिला गया उसी को अवधूत कहते हैं। अध्यात्म की भाषा में कहें तो अवधूत यानी ऐसे बाबा जिन्होंने शिव तत्व को भी साथ रखा और शक्ति तत्व को भी, और ब्रह्मांड रचने वाली इन शक्तियों से साधना के जरिए खुद को जोड़कर सहज में वैसा कुछ कर जाते हैं जिसे चमत्कार कहा जाता है। जब से मानव का अस्तित्व है तब से ही उसमें ईश्वरीय आस्था है और तब से ही भक्ति के जरिए शक्ति पाने का रास्ता भी। सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए योग का वरदान तो हमें हमारी ही परंपराओं से मिला है, लेकिन आज के दौर में भी कोई है जो योग भक्ति और साधना की शक्ति से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। जब योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्जेस विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस देन योर कॉन्शियसनेस बिकम द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, फिर कोई चीज संभव असंभव है ही नहीं, सभी कुछ संभव है। अब हमारे सामने सवाल था, अगर अध्यात्म में चमत्कार होते हैं तो क्या उसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा परखा जा सकता है? इसका जवाब हमने सीधे अवधूत शिवानंद से लेने का फैसला लिया और इस तरह बाबा बनाने वाले हमारे डीएनए की खोज हमें दिल्ली से सटे गुड़गांव में ले गई, जहां अवधूत शिवानंद गृहस्थ की तरह रहते हैं, उनका घर ही उनका आश्रम है। देखिए, आप सभी के जीन्स में सप्तऋषियों की जीन्स हैं, वो जो अनंत की उनके पास शक्तियां थी, अनंत का ज्ञान था। तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो किसी भी परिस्थिति में हो उसमें अनंत की शक्तियां जो हैं वो विद्यमान है, हर पॉसिबिलिटीज उस मनुष्य के अंदर है। तो डीएनए तो आपके अंदर भी है, वो सिद्ध संत होने के आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, तो इसलिए मैं पहचान गया और मेरी यात्रा
गुरु कृपा से चलती रही। तो सवाल ये कि वो सप्तऋषि या सात ऋषि कौन थे जिनका डीएनए हम इंसानों के अंदर है। हिंदू धर्म के विद्वानों के मुताबिक वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ये हैं वो सप्तऋषि जिनका डीएनए हमारे अंदर है और उन ऋषियों के नाम से आज भी हिंदुओं के कुल गोत्र चलते हैं। कहते हैं ये वही सात ऋषि हैं जिन्होंने ईश्वर की प्रार्थना के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से प्रेरित होकर कभी वेद मंत्रों की रचनाएं की थी और अनंत की ऊर्जा से मानव की चेतना को जोड़ने का रास्ता खोला था। तो क्या धार्मिक ग्रंथों में दर्ज इन बातों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या भी हो सकती है? जवाब में अवधूत शिवानंद पिछली सदी में विज्ञान की उस सबसे बड़ी परिकल्पना यानी आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत का हवाला देते हैं, जिसे आधार बनाकर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। जो भी फिजिकल मैटर, ये कुर्सी है, आप हो, ये हैं, मैं हूं, सब कोई जो बने हैं, ये बने हैं एनर्जी से, एनर्जी, और एनर्जी बनी है वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन एक ही इंस्ट्रूमेंट है पूरी दुनिया में जो वाइब्रेशंस को एमिट करता है, वो आपका है माइंड मनुष्य का, इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आपको बता दें अवधूत शिवानंद शिवयोग के साधक हैं। उनके मुताबिक शिवयोग वही रहस्य विद्या है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकाकार होना सिखाता है। देखिए, इसके ऊपर आपको वाइब्रेशनल साइंस को सीखना होगा। ये पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चलता है। जो मनुष्य है उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगर अभी तो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस पे स्टडी करी है, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो 67 हर्ट्ज रेजोनेंस पे वाइब्रेट करता है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मेडिकल साइंस के पास आंसर नहीं है, उसको वो बोलते जीनियस है। और अगर 67 से कम 60 हर्ट्ज रेजोनेंस हो जाए तो वो व्यक्ति ही इज प्रोन टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, वो जो बोलते ना जल्दी बीमार हो जाता है। और अगर 50 हर्ट्ज रेजोनेंस तक आ जाए, 55 तक, तो उस व्यक्ति को कैंसर हो सकती है। तो यानी कि रोगी से निरोगी बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने तेज को बढ़ाने की प्रक्रिया है, और निरोगी से शिव योगी जो है वो अपने तेज को और बढ़ाने की प्रक्रिया है। और हमसे बातचीत में अवधूत शिवानंद ने यहां तक दावा किया कि हर आदमी चमत्कारी बन सकता है। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां तो सबके शरीर के अंदर है, जरूरत बस ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को जोड़ने की है। जब हम साधना करते हैं हमारे सारे चक्र खुल जाते हैं, हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से पूरी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो प्रवाहित होने शुरू होती है, तो हमारे एक एक सेल से जो है फोटोन एनर्जी निकलती है, तेज निकलता है। तो इस चीज को हमारे शिव योगी सिद्धों ने इसका ज्ञान प्राप्त किया था, और साधना के द्वारा हम अपना तेज बढ़ाते हैं। यहां एक सवाल और हमारे मन में उठ रहा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को जोड़ देने के बाद मानव को क्या खाने से या किसी और माध्यम से ऊर्जा लेने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। दरअसल हम ऐसी कहानियां सुनते आए हैं कि हिमालय में पहाड़ों की कंदराओं में साधना करने वाले योगियों बाबाओं को खाने पीने की जरूरत तक महसूस नहीं होती है। जो पहाड़ है उसका महत्व है, वो पिरामिड शेप होती है, और पिरामिड जो है कॉस्मिक एनर्जी को बहुत ज्यादा एट्रैक्ट करता है, तो पहाड़ पर कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो हिमालय में वो जाने अनजाने में उसको ज्ञान दो या ना दो, वो ऐसे ऐसे जब करेगा तो उसकी प्राण ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके अलावा
हिमालय के कंदराओं में बहुत सारे सिद्ध बैठे हुए हैं, बहुत सारे शिव योगी बैठे हुए हैं, जिनकी एनर्जी फील्ड वो पूरे वातावरण को जो है बहुत ही पॉजिटिव, हिमालय में आपको कोई नेगेटिव स्पॉट नहीं दिखाई देगा। इसी बीच हमने अवधूत शिवानंद से सवाल और दागा। सवाल ये कि लेकिन ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को बाबा अपने अंदर भरते कैसे हैं, जो चमत्कार रचता है। इसी के बाद अवधूत शिवानंद हमें अपने घर के साधना कक्ष में ले गए, जहां बाहरी लोगों का जाना पूरी तरह मना था। हमने देखा अवधूत शिवानंद का साधना कक्ष रहस्यमय था। वहां पिरामिड की आकार वाले बड़े बड़े श्रीयंत्र रखे हुए थे। इसके अलावा वहां ग्रेनाइट और स्फटिक के बने अष्ट शिवलिंग भी थे। वहां पारे का बना बड़ा शिवलिंग भी नजर आ रहा था, जो हमारी दिलचस्पी बढ़ा रहा था। हमने रसायन विज्ञान में पढ़ा था कि पारा ही एकमात्र धातु है जो सामान्य स्थिति यानी सामान्य ताप और दाब पर द्रव रूप में रहता है, लेकिन यहाँ सामान्य स्थिति में पारा ठोस शिवलिंग में ढला दिख रहा था। अवधूत शिवानंद के साधना कक्ष में अष्ट धातु का बना एक बड़ा सा पिरामिड हमने देखा। पिरामिड इतना बड़ा था कि उसके अंदर 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते थे। साधना, सिद्धि और चमत्कार का रहस्य समझाने के लिए अवधूत शिवानंद हमें उस पिरामिड के अंदर ले गए। टीवी इतिहास में पहली बार रहस्य की ये तस्वीरें आपके सामने ला रहा है जी मीडिया। सिर्फ तरह तरह के आसन या मुद्राएं ही योग नहीं है, योग उससे कहीं आगे बढ़कर है। खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना योग कहलाता है। शिव योग भी इसी प्रकार है, जिसमें संसार की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं और सारी की सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि शरीर में ब्रह्मांड की वो शक्ति कैसे प्रवाहित होती है, जो साधना में सिद्धि देती है, जो चमत्कार का माध्यम बनती है। उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी सुन लीजिए। धर्म के जानकारों के मुताबिक ये आध्यात्मिक प्रक्रिया उस चमत्कारी कुंडलिनी शक्ति को जगाने की है, जो हमारे मूलाधार में यानी कि रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे में सांप की तरह 3.5 कुंडली मारे सोई पड़ी है। साधना के जरिए जब इसे जगाया जाता है तो शरीर में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा दौड़ने लगती है और हमें अपने अंदर छिपी ईश्वरीय शक्ति के दर्शन भी होने लगते हैं। देखिए, ये वास्तव में ये शिव योग कुंडलनी साधना पर आधारित है। तो शिव योग में एक तो संभवी साधना है, जो शिव के ऊपर कुंडलनी को उठाने की साधना है, और दूसरी है अद्वैत श्री विद्या की साधना, जो शिव और शक्ति के द्वारा हम चेतना को ऊपर उठाते हैं। ये दोनों विशिष्ट हैं, ये सर्वोपरि शास्त्रों में कही गई हैं। और जब हम इसको उठाते हैं तो यहां से शस्त्रार हम खोलते जाते हैं। जो 1000 पंखड़ियां हैं ये बंद हैं, इसको जैसे जैसे हम खोलते हैं तो ये ब्रह्मांड में भगवान शिव के अनाहत चक्र से जुड़ जाती है, और वहां से ये शक्ति जब प्रवाहित होती है तो वो पीनियल ग्लैंड से 3rd eye से होके निकलना शुरू हो जाती है, और वो बहुत ही पावरफुल हीलिंग पावर्स होती है उसमें। अवधूत शिवानंद ने हमें ये भी बताया कि अगर साधना के पीछे सिर्फ सिद्धि पाने की मंशा हो तो ऐसी सिद्धियां दिखावटी बनकर रह जाती है, उसकी साधना निरर्थक हो जाती है। इसलिए सिद्धियों के पीछे ईश्वर को महसूस करने और लोक कल्याण की सोच जरूरी है। अष्ट सिद्धियां हैं और 2 तरीके से प्राप्त की जाती है। एक तो सिद्धि की साधना करके, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सिद्धि की साधना करता है तो जैसे ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है उसकी साधना का फल 0 हो जाता है, क्योंकि उसने ये दाम दिया और ये हो गया। और दूसरा है निर्गुण साधना। शिव योग में हम निर्गुण साधना करते हैं और जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है
ये सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। अब बात अवधूत शिवानंद के सिद्धियों की थी और सवाल ये भी था कि क्या उन्होंने इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए किया है। तो पहला चमत्कार मैंने दिखा दिया ना कि बगैर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के फसल को 2 से 8 गुना बढ़ा दिया। दूसरा चमत्कार क्योर इज पॉसिबल। अब शिव योग किसान का खेत जो है उस पर पहरा है, कोई भी जंगली जानवर, उड़ीसा में हाथी नहीं आते, मध्य प्रदेश में कोई जंगली सुअर नहीं आते, हिरन नहीं आते, आजू बाजू के खेत में चले जाते हैं। इतना चमत्कार काफी है कि नहीं है? ये सब क्या कोई फायदा नहीं? आपको बता दें, अवधूत शिवानंद शिव योग सिखाते भी हैं और इसका फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में किसानों को मिला है। गुड़गांव में हमारी मौजूदगी में शिवानंद से मिलने गाजियाबाद के डॉक्टर दंपति वाई वी सिंह और राका सिंह भी आए थे। उनका कहना है कि अवधूत शिवानंद से सीखा हुआ शिव योग अब वो अपने मरीजों पर आजमा रहे हैं और उन्हें रोज चमत्कारी नतीजे मिल रहे हैं। मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा मिरेकल शिव योग का है, मैंने सबसे पहले से भी रायपुर का आपका अटेंड किया था 2011 में। उसके कुछ दिन के बाद मेरी मदर मेरे होम टाउन में थी, रात के 2 बजे मेरे भाई का फोन आया कि इनकी तो सांस बंद हो गई, ये तो गई। बाबा जी मेरे को तुरंत ध्यान आया कि आपने मृत संजीवनी शक्ति मेरे को दी है। मैंने उसी समय मेडिटेट किया, मैंने शक्ति भेजी। 5 मिनट के बाद वापस फोन आया कि वो सांस चल गई है, ठीक हो गई है। दिस वाज द आपको क्या बताया बाबा जी, ये तो हम लोग एक रिचुअल कर रहे हैं, आपको तो सब पता है। और ऐसी होती है, हम लोग देखते हैं ऐसी ऐसी ब्लीडिंग हो रही होती है कि हम सोचते हैं अब यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नहीं, यूट्रस को हम रोक सकते हैं। और 2 मिनट के लिए मैं सबसे कहती हूँ सब लोग मंत्र जाप करो और ब्लीडर्स को हम प्रेस कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो पैक हटाए जाते हैं सब ठीक हो चुका होता है। एक बार तो ये पूरा हमने तैयारी कर ली थी कि नहीं हम इसे निकालेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक वो सर्जन और दूसरे हमने पूरे ओटी में ब्लड ब्लड का अरेंजमेंट किया, सर्जन आते कहते मैडम कुछ भी तो नहीं है, मतलब आई वाज स्टैंडिंग ब्लाइंड फोल्डेड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं। इनकी ऑरा इंटीग्रेट करती है ना जो एनर्जी फील्ड वाइब्रेशन जी, तो वो उसकी वाइब्रेशन को पेशेंट की उठा देते हैं। आपने कहा था ना चमत्कार दिखाओ, हम लोग पूरे ओटी में आपका ऑरा रहे और मंत्र जाप करते हुए फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मंत्र जाप कर लीजिए। हाँ एक बार किस तरह से कर लीजिए। ओम रोम जम सा, ओम रोम जम सा, ओम रोम जम सा, अवधूत शिवानंद के मुरीदों में ऐसे भी नाम हैं जिन्हें आपने फिल्मी पर्दे पर देखा है, उनके भी अनुभव आपको सुनाते हैं। मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट अगर मैं अभी भी जिंदगी के साथ आगे चल सकी, इसलिए क्योंकि मैंने बाबा जी की टीचिंग्स को अपनाया नहीं, मैंने बस उन्होंने जो ताकत दी उसे लिया और आगे बढ़ना शुरू किया। बिकॉज आई डू अ डांस बैले ऑन दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्णा, एवरीथिंग आई डू, बट स्टिल आई वॉज वॉन्टिंग टू नो श्री विद्या। सो वेन आई हर्ड हिम स्पीकिंग इन द टीवी, देन आई थॉट आई वॉज बिकेम वेरी क्यूरियस, एंड वेर देर इज अ विल देर इज ऑलवेज अ वे। And I did level 1 and level 2 shiver in Bombay with Babaji and it was a great experience. अवधूत शिवानंद से जुड़े दावों और चमत्कारों की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है। ये बातें हमारी पड़ताल के दौरान जिस तरह सामने आई, हमने उसे वैसे ही आप तक पहुंचा दिया।